उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना नवाबगंज अंतर्गत एएनएम द्वारा गर्भवती महिला का गलत उपचार करने से गर्भवती का गर्भाशय फट जाने से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। वहीं पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे परिजनों ने एएनएम के ऊपर धन उगाही और गलत इलाज का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की विवेचना कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, थाना नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत बिराई गाँव के मजरा इटहवा गाँव निवासी कप्तान सिंह ने अपनी पुत्री बिंदु सिंह की तबीयत खराब होने पर डिलीवरी के लिए अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतीजोर चहगवा में तैनात एएनएम सुमन के पास ले गए। पीड़िता के पति का आरोप है कि एएनएम ने उससे 25,000 रुपए भी लिए हैं और पत्नी का गलत तरीके से उपचार किया है, जिस कारण बिंदु सिंह का गर्भाशय फट गया। हालत ज्यादा गंभीर होने पर एएनएम ने पीड़िता को लावारिस छोड़ दिया। पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए पति ने उसको क्षेत्र के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन के बाद उसको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। वहीं पीड़िता बिंदु की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता के पति कप्तान सिंह ने एएनएम पर लापरवाही और धन उगाही का आरोप लगाते हुए थाना नवाबगंज में तहरीर दी है। थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि पीड़िता के पति की तहरीर मिली है, मामले की जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। कप्तान सिंह कहाँ रहते हैं? इटहवा। क्या है मामला? मामला ये है कि बीवी हमारी गर्भवती है। आपकी बीवी का क्या नाम है? बिंदु सिंह। तो उनको हमने इलाज कराने लेके गया चरगहवा अस्पताल है छोटी, तो वहाँ एनम ने हमसे 25,000 रुपया लिया और बोला कि नॉर्मल हम बच्चा पैदा करवा देंगे। हमने बताया कि बड़ा ऑपरेशन है, तो उन्होंने कहा कि पैसा हमको दीजिए, हम नॉर्मल बच्चा पैदा करवा देंगे। फिर 2 बजे तक उन्होंने डेट दिया। फिर उसके बाद में 3 बजे जवाब दिया, जब हमारी बीवी बेहोश हो गई, बच्चेदानी फट गई, बच्चा अंदर मर गया। उसके बाद में आप कहाँ उसको ले गए? फिर उसके बाद हम बरवलिया चौराहा नर्सिंग होम में लेके गए मुबारक भैया के, वहाँ बड़ा ऑपरेशन 2 किए, फिर बच्चा मरा हुआ निकाली। और आपकी पत्नी की हालत कैसी है? बहुत सीरियस है। आपने कहीं शिकायत किया है? थाने में किया है शिकायत। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि मुकदमा लिखा जाएगा। अखंड भारत न्यूज़ के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के ननपारा में पुलवामा हमले में शहीद हुए 44 जवानों की बरसी के मौके पर नगर के विभिन्न संगठनों द्वारा शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर शहीद हुए जवानों के सम्मान में कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शुक्रवार की देर शाम को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक दीपक श्रीवास्तव के नेतृत्व में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर शहीद हुए जवानों के सम्मान में कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसी तरह सराफा कमेटी की ओर से भी रवि सोनी व अयोध्या सोनी के नेतृत्व में सराफा कमेटी के लोगों ने शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा बलहा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राशिद खान ने मुस्लिम संप्रदाय के सैकड़ों साथियों के साथ शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर पुलवामा में शहीद हुए 44 जवानों के बरसी के मौके पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया तथा देश के अमन चैन और खुशहाली की दुआ की गई। इस मौके पर नगर के सामाजिक राजनीतिक संभ्रांत लोगों के साथ साथ काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। अखंड भारत न्यूज़ के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।